अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद जी। आज के इस लेक्चर में वर्चुअल यूनिवर्सिटी का कोर्स पार्क स्टडीज 302 का टॉपिक नंबर 16 से 18 तक कवर करने वाले हैं। सो अब लिटरेचर के चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, लेट्स बिगिन। अब बेसिकली इस टॉपिक का टाइटल है फाउंडेशन ऑफ नेशनल स्टेट ऑफ पाकिस्तान। बेसिकली जो पाकिस्तान की नेशनल स्टेट है वो किस तरीके से मतलब इसकी फाउंडेशन रखी गई और क्या मतलब कि इसमें जो हिस्ट्री है वो कैसी है। तो बेसिकली जो इसकी हिस्ट्री है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स भी कह सकते हैं। और अगर इसकी बात करें तो बेसिकली स्टार्ट हुई थी जब मुगल्स का डिक्लाइन हुआ था, मुगल एम्पायर्स का डिक्लाइन हुआ था। और दूसरी बात ये कि जो पीरियड है ये मेनली जो है वो मार्क्ड है सिग्निफिकेंट चेंजेस के साथ, जैसे कि सोशो कल्चर चेंजेस हैं, पॉलिटिकल चेंजेस हैं, इकोनॉमिक चेंजेस हैं, फिर आपके जो एडमिनिस्ट्रेटिव लैंडस्केप था रीजन के उसमें जो सारे मसाइल आए वो। अब यहाँ पे मेनली बात की गई द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस ये किया गया कि किस तरीके से जो है मुगल एम्पायर एक डोमिनेंट पावर था और उसके बाद इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर जो उसका डिक्लाइन आया आफ्टर द डेथ ऑफ एम्पायर औरंगजेब, जिसकी डेथ हुई थी 1707 में। और औरंगजेब की जो डेथ है उसने फर्दर लीड किया कि उनकी जो अथॉरिटीज थी, जो उनकी एक सल्तनत थी, उसको उनकी जो बेसिकली उसको जो था वीक करना स्टार्ट कर दिया था, फ्रेगमेंट कर दिया था, उनको इनस्टेबल कर दिया था। सेकेंडली यहाँ बात की गई कि जो डिक्लाइन था उसकी वजह से जो मुस्लिम कम्युनिटी है उनको काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट हुई थी, और उसमें जो था एक मेजर पॉलिटिकल और कल्चरल फोर्स जो थी मुगल्स के हाथ से निकल चुकी थी, और वो काफ़ी मतलब कि उनको क्राइसिस वहाँ पे फेस करने पड़े थे। नेक्स्ट यहाँ पे बात की गई कल्चरल एंड सॉरी सोशो एंड कल्चरल डिक्लाइन के बारे में। सो सोशो एंड कल्चरल डिक्लाइन इज समथिंग कि जब मुस्लिम्स की जो कम्युनिटी थी वो मतलब एजुकेशनल लॉज में तो इन्वॉल्व थी, मतलब कि उन लोगों का एजुकेशन में कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा था। तो उसके बाद जो सारी वो जो उसकी मूवमेंट चली थी उसके रिगार्डिंग एक ये मसला था, दूसरा उनकी कल्चरल जो थी उसकी आइडेंटिटी उनकी लॉस हो चुकी थी, उनका सोशल लीडरशिप का जो पूरा फिनोमेना था वो काफ़ी हद तक ख़राब हो चुका था। इस वजह से जो मुगल का रूल था वो काफ़ी वीक हो चुका था, और जो इंस्टीट्यूशन मतलब कि जो थ्राइव किया था इस सब सीजन में उसकी वजह से वो डिटेरियोरेट हो गया, और ओवरऑल जो मुगल एम्पायर था वो काफ़ी तक ख़राब हो चुका था। और जो पीरियड है इसको एज एन देखा जाता है कि इसमें जो मुस्लिम्स का इन्फ्लुएंस था वो रिडक्ट हो गया, और उसके अलावा जो मुस्लिम स्कॉलर जो कल्चरल लीडर्स थे उनका जो इन्फ्लुएंस था, जो उनकी सिग्निफिकेंस थी वो बहुत ज़्यादा कम हो गई। नेक्स्ट यहाँ बात की गई है पॉलिटिकल डिक्लाइन के बारे में। इसमें पॉलिटिकल डिक्लाइन को डिस्कस किया गया। सो पॉलिटिकल डिक्लाइन इज समथिंग कि जब उनकी जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थी मुस्लिम कम्युनिटी की, उनको फ्रेगमेंटेशन फेस करनी पड़ी रीजनल मतलब डिफरेंट जगहों पर, जैसे कि रीजनल पावर्स में, और उसके अलावा जो उनकी उनका जो कंट्रोल था वो ख़त्म होता जा रहा था। ओवरऑल जो था उसकी मुगल एम्पायर का ओवरऑल जो उसकी राया पे उसके जो कंट्री पे कंट्रोल था वो ख़त्म होता था, तो उनके पॉलिटिकल डिक्लाइन ख़त्म हो मतलब पॉलिटिकल ख़त्म हो गया, तो उनकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का डिक्लाइन स्टार्ट हो गया था। सेकेंडली के जो सेंट्रल एम्पायर था उनका जो सेंट्रल अथॉरिटी थी मुगल एम्पायर की उसको रिप्लेस कर दिया गया था बाय स्मॉलर, मतलब कि उनको फ्रेगमेंट कर दिया गया था, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके उनको वो लाइक वो सल्तनतें और वो रियासतें दे दी गई थी एक पूरे सब कॉन्टिनेंट को डिवाइड करके। इसमें अब डिफरेंट किस्म के लोकल रूलर्स आ गए थे, कम्पीटिंग्स आ गए थे, जिन्होंने था जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था उसको बहुत ज़्यादा उसके वजह से मज़ीद वीक होना स्टार्ट हो गया। थर्ड पे बात की गई है यहाँ पे इकोनॉमिक डिक्लाइन के बारे में। सो ये बेसिकली है कि इसमें इकोनॉमिकली आपको डिक्लाइन स्टार्ट हुआ मुगल एम्पायर का, इसमें उन्होंने मतलब ब्रेक डाउन स्टार्ट हुआ, जैसे कि फ्लोरिशिंग ट्रेड ख़त्म हो चुका हुआ था, ओवरऑल जो ट्रेड के नेटवर्क थे वो ख़त्म हो गए थे, इकोनॉमिक सिस्टम जो हमारा था वो ख़त्म हो गया था, इंस्टेबिलिटी आ गई थी और फ्रीक्वेंटली कॉन्फ्लिक्ट आना शुरू हो गए थे, डिस्टर्बशन आ गई थी ट्रेड में, एग्रीकल्चर में, प्रोडक्शन में, डिफरेंट जो आपके लीडर इकोनॉमिक लीडरशिप से आपकी हार्डशिप थे वो काफ़ी ज़्यादा था, उसमें जो थी वो तबाही और डिस्ट्रक्शन वगैरह आ चुकी हुई थी। नेक्स्ट यहाँ पे बात की गई एडमिनिस्ट्रेटिव डिक्लाइन के बारे में। सो इसमें भी इस तरीके से बात की गई कि जो इसमें एफिशिएंट सिस्टम्स थे उनको जो इस्टेब्लिश किए गए थे मुगल्स ने जो इस्टेब्लिश किए थे वो भी ख़त्म हो चुके थे, वो टूट चुके थे, और उनकी जो सेंट्रल ब्यूरोक्रेसी थी वो भी काफ़ी वीक हो चुकी थी, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो थी वो बिल्कुल अफेक्टिव नहीं रही थी, और उनकी जो ओवरऑल गवर्नमेंट थी वो उसको काफ़ी इश्यूज फेस करने पड़ गए, और वो मतलब कि कॉन्ट्रीब्यूट हो गई थी डिस्ट्रीब्यूट हो गई थी छोटे छोटे मतलब पार्ट्स में।
नेक्स्ट यहाँ बात की गई राइज ऑफ इंडिया। राइज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी बेसिकली ये वो मेन समझने के सिग्निफिकेंट है जिसकी वजह से मुगल एम्पायर का जो था वो डिक्लाइन स्टार्ट हुआ। मतलब कि इसको एज अ कोइन, मतलब कि कह लें कि एक फॉरेनर या एक मेन सिग्निफिकेंट मूवमेंट या एक सिग्निफिकेंट जो थी वो कंपनी थी या एक सिग्निफिकेंट जो है वो फिगर है ओवरऑल हिस्ट्री में, जिसकी वजह से जो मुगल्स का डिक्लाइन है, जो सब कॉन्टिनेंट का जो कॉलोनियलिज्म का पीरियड है वो स्टार्ट होता है। अब यहाँ पे एक बैटल हुई थी प्लेसी की 1757 में, एक सिग्निफिकेंट बैटल थी जिसका बेसिकली जो मार्क की जाती है कि उसमें जो ब्रिटिश का डोमिनेंस तब स्टार्ट हुआ था इंडिया में। अब वहाँ पर जो ब्रिटिश थे उन्होंने डिफीट दिया था, मतलब उन्होंने सिराज उल दौला को हरा दिया था, और जो कि बेसिकली नवाब के बंगाल थे। और उसके बाद ये हुआ कि उन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ लाने का मौका मिल गया। फिर उन्होंने यहाँ पे एक फुट होल्ड इस्टेब्लिश किया और ग्रेजुअली जो उन्होंने एक्सपेंड करना शुरू कर दिया अपने आप को। फिर उन्होंने ओवरऑल सब कॉन्टिनेंट पे जो था वो कंट्रोल कर लिया, और एट द एंड ये हुआ कि उन्होंने उधर कब्जा कर लिया, रूल करना स्टार्ट कर दिया। अब नेक्स्ट यहाँ पे डिस्कस किया गया बेसिस ऑफ मुस्लिम नेशनलिज्म इन इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट। अब बेसिकली इसमें डिस्कस ये कर रहे हैं कि जो मुस्लिम नेशनलिज्म है उसमें मतलब कि क्या डिफरेंसेस थे, किन एस्पेक्ट्स पे उनको डिफर किया जाता है, उनके मतलब कैटेगराइजेशंस क्या हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस की गई यहाँ पे आइडियोलॉजिकल बेसिस के बारे में। तो आइडियोलॉजिकल में बेसिकली अब यहाँ पे उनके राइटर्स को डिस्कस किया गया, जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ बात ये कि जो आइडियोलॉजी फाउंडेशन है मुस्लिम्स की वो इन्फ्लुएंस नोटेबल फिगर्स के साथ, जिसमें आपके पास शाह वली उल्लाह आते हैं, शाह अब्दुल अजीज आते हैं, सैयद अहमद शहीद है, राम इकबाल है, हम इन सबको बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। और यहाँ पे एक और बात की गई डिफरेंस बिटवीन दारा सिखों एंड औरंगजेब। अब ये बेसिकली ये डिफरेंट रिलीजियस व्यूज थे जो कि एग्जाम्पलीफाई कर रहे हैं आपके आइडियोलॉजिकल डिवाइडेशन को और मुस्लिम कम्युनिटीज को। बाकी शाह वलीउल्लाह को, सैयद अहमद शहीद को, इलामा इकबाल को और शाह अब्दुल अजीज को हम बहुत डिटेल में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं मिड्स में। अब नेक्स्ट यहाँ पे बात की गई हिस्टोरिकल बेसिस के बारे में। सो हिस्टोरिकल बेसिस में क्या हुआ कि जो आपका हिस्टोरिकल बेसिस, इसमें तीन पॉइंट्स है आपके, फॉल ऑफ मुगल्स था, मुस्लिम इंसर्जेंसी थी और वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस थी। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हिस्टोरिकल बेसिस में इंक्लूड है वो आपका फॉल ऑफ मुगल है, मतलब कि वो सिग्निफिकेंट इवेंट था जिसमें उसके बाद वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस थी, मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल जो मुगल एम्पायर था उसका डिक्लाइन स्टार्ट हुआ और मुस्लिम जो थे बाद में उनको उनके रूल्स नहीं मिले थे, और उसके बाद उनके जो थी जंगे आज़ादी लड़ी वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जिसमें बहुत बुरी तरह से वो मतलब वो हार गए थे, और फिर जो मतलब सारे क्राइसिस फेस करने पड़े मुस्लिम्स को जो राइट्स को लेकर और जो उनकी नेशनलिटी को आइडेंटिटी को लेकर जो उनको क्राइसिस फेस करने वो सब इसी वजह से स्टार्ट हुए थे। और इसमें बेसिकली हाईलाइट किया गया उनके स्ट्रगल को, उनके रेजिलेंस को मुस्लिम कम्युनिटी के, और जो उन्होंने मतलब कॉलोनिज्म के अगेंस्ट उन्होंने स्टार्ट की थी। नेक्स्टली यहाँ पे डिस्कस किया गया सोशियो कल्चर बेसिस के बारे में। तो अब इसमें आते हैं सैयद अहमद खान, सर आगा खान, इनको भी मैं काफ़ी डिटेल में आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। सो अगर इसको दोबारा से देखें तो ये प्रोमिनेंट फिगर थे दोनों, जिन्होंने एक क्रूशियल रोल प्ले किया था सोशियो कल्चर रिफॉर्म्स में, जिसमें एजुकेशन थी आपकी, रिवाइवल ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी था, उनका प्राइड, उनकी आइडेंटिटी का रिवाइवल था। ये सब चीज़ें उन्होंने मतलब कि बहुत डिटेल में लाइक उन्होंने सारी मूवमेंट्स को चलाया, और फिर मुस्लिम्स का प्राइड, उनकी आइडेंटिटी, उनकी जो रिलीजियस आइडेंटिटी थी, उनकी जो राइट्स है, उन सबको वापस लेने में बहुत ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंट उन्होंने जो था वो रोल प्ले किया। उसके बाद यहाँ बात की गई पॉलिटिकल बेसिस के बारे में। तो इसमें बात की गई है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की, खिलाफत मूवमेंट की और अलीगढ़ मूवमेंट की। अब यहाँ पे ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो थी वो बेसिकली आपकी वो थी जो मुस्लिम के इंटरेस्ट को एडवोकेट कर रही थी, उनके राइट्स को एडवोकेट कर रही थी। खिलाफत मूवमेंट का बेसिक एम यह था कि उन्होंने ओटोमन जो था और जो आपका पूरा सल्तनत जो उस्मानिया थी उधर वहाँ पे उन्होंने मुस्लिम्स की जो थी सॉलिडरिटीज को प्रमोट करना स्टार्ट कर दिया था, बिकॉज वहाँ पे थोड़े से इश्यूज थे, तो फिर उन्होंने उसके लिए खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट की थी। अलीगढ़ मूवमेंट की बात की जाए तो वो थी बेसिकली जो कि सैयद अहमद खान ने डेड आउट की थी, और उनका बेसिकली इसका मोटो यह था कि वो मॉडर्न एजुकेशन को, सोशो पोलिटिकल अवेयरनेस को मुस्लिम्स के दरम्यान में प्रमोट करना स्टार्ट करें। नेक्स्ट यहाँ बात हो रही है कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस के बारे में। अब यहाँ पे कुछ एक्ट डिस्कस किया गया, 1909 का एक्ट है, 1919 का एक्ट है, 1935 है, 1946 है और 1947 है।
1909 के बाद करें तो बेसिकली इसमें इंट्रोड्यूस करवाया था उन्होंने एक लिमिटेड सेल्फ गवर्नेंस को और एक सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर मुस्लिम जो फर्स्ट स्टेप था। सेकंड में बात की कि 1919 में उन्होंने फिर इसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल को जो था वो एक्सपेंड करवाया और जो रिप्रेजेंटेशन थी इंडियंस की इंडियन गवर्नर्स की उसको रिप्रेजेंट करवाया गया। एक्ट 1935 में बात ही हुई कि उन्होंने जो था वो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी जो थी वो बना ली थी। उसके अलावा उसमें जो था फ्यूचर पॉलिटिकल स्ट्रक्चर का ग्राउंड वर्क उन्होंने उसमें स्टार्ट किया बनाना। फिर आया आपका 1946 में कैबिनेट मिशन जिसको पर्पस किया था एक फेडरल स्ट्रक्चर के लिए फॉर द इंडिया और उसमें उन्होंने जो था वो कॉम्युनल कंसर्न्स को काफ़ी हद तक एड्रेस भी किया। 1947 की बात करें सब इंडिपेंडेंस एक्ट था मतलब जब आपके पाकिस्तान की क्रिएशन हुई थी एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट। ओवरऑल इस टॉपिक में डिस्कस ये किया गया अगर हम इसके कंक्लूजन को देखें सो ये जो फाउंडेशन थी इसकी लाइक जो पाकिस्तान की फाउंडेशन थी वो कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले है आपकी हिस्टोरिकल आइडियोलॉजिकल सोशो कल्चर पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशनल फैक्टर्स के अंदर। अब इसमें हमने डिस्कस ये किया और हमने अंडरस्टैंड ये किया कि किस तरीके से जो डिफरेंट किस्म की जो आपके एस्पेक्ट्स है जो आपके बेसिस है उन्होंने किस तरीके से हेल्प किया मल्टी फैक्टेड नेचर को स्ट्रगल करवाने में एक सेपरेट मुस्लिम स्टेट बनाने में इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट में जर्नी में बेसिकली कुछ सिग्निफिकेंट इवेंट्स आए थे जिसमें आप इसके खिलाफत मूवमेंट है अलीगढ़ मूवमेंट है उसके अलावा कुछ इन्फ्लेमेशन लीडर्स आए जिनका हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ सर सैयद अहमद खान थे लामा इकबाल थे सैयद शहीद अहमद थे और उसके अलावा किस तरीके से उन्होंने इन सब चीज़ों को प्रिजर्व किया प्रमोट किया उनकी आइडेंटिटीज को और उनके राइट को किस तरीके से उन्होंने फर्दर चलाया मुस्लिम कम्यूनिटीज को कैसे उन्होंने प्रमोट किया और उनके जो राइट्स थे उनको कैसे उन्होंने प्रोटेक्ट किया इसके बारे में ओवरऑल इसमें डिस्कस किया गया। नेक्स्ट टॉपिक देखें टॉपिक नंबर 17 तो यहाँ पे बात की कि अर्ली ईयर्स ऑफ पाकिस्तान के मतलब इसको रेफर किया जाता है कि इन्फेंट नेशन मतलब एक ऐसा बेबी जो लाइक जस्ट बॉर्न जो बेबी है मतलब जो भी पैदा हुआ है एक ऐसी स्टेट जिसको चलाना मतलब एक बॉर्न बेबी को ना बोलना आता है ना चलना ना आता है तो पाकिस्तान की कंडीशन कुछ इस तरीके की बताएगी और उसको जो चैलेंजेस उसको फेस करने पड़े जो क्राइसिस फेस करने पड़े इसमें डिफरेंट आपके जियोग्राफिकल इन्वायरमेंटल सोशो कल्चर पॉलिटिकल और इकनॉमिक जो है वो सारे क्राइसिस जो थे वो फेस करने पड़े। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ डिस्कस किया गया जियोग्राफिकल सेटअप के बारे में इंट्रोडक्शन है इसमें इसमें हम डिस्कस करने वाले डिफरेंट किस्म की चीज़ें जैसे कि रोल ऑफ मुस्लिम है एंड मेकिंग पाकिस्तान और लीडरशिप्स का हम डिस्कस कर चुके हैं इमरजेंस ऑफ पाकिस्तान ऑलमोस्ट डिस्कस कर चुके हैं। अब हमने स्टडी करना है इसमें जियोग्राफिकल और इन सारे एस्पेक्ट को सो फर्स्ट ऑफ ऑल आता है जियोग्राफिकल सेटअप। अब पाकिस्तान जो था एट द टाइम ऑफ क्रिएशन जियोग्राफिकली डिवाइड किया गया था टू मेन रीजन्स में ईस्ट पाकिस्तान जो कि अब बांग्लादेश बन चुका है और वेस्ट पाकिस्तान जो कि इस टाइम करंट पाकिस्तान है। अब ये कंट्री एक डाइवर्स लैंडस्केप थी इसमें माउंटेन्स इंक्लूड एंड रिवर्स हैं डेजर्ट्स हैं प्लेन्स हैं ये मैं ऑलरेडी बहुत डिटेल में सारे चीज़ों के बारे में बता चुकी हूँ। अब इसमें जो था एक प्राइमरली एग्रीकल्चर सोसाइटी है हमारा जो जियोग्राफिकल सेटअप है सारा और ये हैविली फार्मिंग के लिए बहुत यूज़ की जाती है उसकी जो इकनॉमी है वो इसलिए रिच है बिकॉज यहाँ पे फार्मिंग एग्रीकल्चर का काम बहुत ज़्यादा है ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बात की गई हमारे पास इन्वायरमेंटल चैलेंजेस के बारे में अब यहाँ पे बात की गई किस तरीके का मतलब इन्वायरमेंट जो पार्टीशन हुआ 1947 का उसमें एक मैसिव कम्युनल रिवोल्ट्स है पर्टिकुलरली पंजाब में जिसके रिजल्ट में एक सिग्निफिकेंट लॉस ऑफ लाइफ हुआ और प्रॉपर्टी का भी लॉस हुआ। अब ओवरऑल ये जो मैस माइग्रेशन थी मिलियंस ऑफ पीपल की अक्रॉस द बॉर्डर सो उसके बाद क्या हुआ कि जो एक मूवमेंट क्रिएट हुई जिसमें सोशल कल्चर पॉलिटिकल इकोनॉमिक इनसिक्योरिटीज आना शुरू हो गई थी और जो नेशन थी उसको बेसिकली डील करना पड़ा आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ दीज रायट्स मतलब के जो सारे सीन्स उन्हें फेस करने पड़े उनके जो आफ्टर इफेक्ट्स है उन्हें फेस करना पड़ा। और दूसरा जो रिफ्यूजीज थे मतलब जो लोग आए थे वहाँ से महाजरीन थे उनको पनाह गाह देने के लिए उनको मतलब कि वहाँ पे सेटल करने के लिए उनको काफ़ी चैलेंजेस फेस करने पड़ गए सारे मसले में भी। थर्ड पे बात की गई सोशियो कल्चरल इश्यूज के बारे में। अब यहाँ पे जो था यहाँ पे डिस्कस किया गया कि सो सोशियो कल्चर में बेसिकली बात ही की गई सोशियो कल्चर इश्यूज में कि जो रिफ्यूजीज के इन्फ्लक्सेस थे मतलब उन्हें कैसे एडजस्ट किया जाए उनके प्रॉब्लम्स की एडजस्टमेंट कैसे उनके सॉल्यूशंस कैसे निकाले जाए।
बेसिकली जो प्रॉब्लम से रिलेटेड थी इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंट कल्चर ग्रुप के साथ, सब कल्चर साथ, बिकॉज जो मतलब डिफरेंट कल्चर के लोग बेसिकली थे तो सब मुस्लिम्स ही, बट डिफरेंट कल्चर्स के लोग जो थे वो मतलब माइग्रेट करके आए, उनमें कुछ सब कल्चर्स भी थे। अब लोगों को डिफ़िकल्टीज फेस करने के लिए मतलब कि एक सूटेबल हाउस फाइंड करने के लिए, उसके अलावा उसमें जो एक्सेसिंग थी उसको देखने के लिए बेसिक सर्विसेज जैसे कि एजुकेशन है, हेल्थ केयर है, और जो चार्टर कंडीशन, जो डिस्ट्रप्टेड लोकल सर्विसेज थी, इन सब चीज़ों को उन्हें फेस करना पड़ा। नेक्स्ट बात की गई यहाँ पर हमारे पास पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स के बारे में। पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स में बेसिकली हमने डिस्कस ये किया कि जो मुस्लिम लीग है उसने क्रूशियल रोल प्ले किया था क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान में, उसके बाद उसे क्राइसिस फेस करने पड़े आफ्टर अचीविंग इट्स गोल, बिकॉज जाहिर सी बात है कि जब पाकिस्तान बन गया बहुत से चैलेंजेस फेस करने पड़े थे, और जो लीडर्स थे वो फुली प्रिपेयर नहीं थे कि वो चैलेंज को किस तरीके से फेस करेंगे, उसे कैसे गवर्न करेंगे कंट्री को, और जो लीडरशिप के क्राइसिस थे वो फर्दर एग्जर्बेट कर रहे थे डिफरेंट, मतलब कि जब कायदे आजम की इलनेस स्टार्ट हुई, उनकी इवेंचुअल डेथ होगी, उसके बाद जो कायदे आजम सिनेरियो बना उसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो थे वो क्राइसिस पाकिस्तान को मज़ीद फेस करने पड़े। जिन्ना की डेथ के बाद पाकिस्तान को न्यूमरस मतलब सोशल इकोनॉमिक सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स जो थी वो फेस करनी पड़ी, जिसके वजह से उनकी पॉलिटिकल प्रोग्रेस में काफ़ी डिले आ गया। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन जो थी हमारी, उसकी जो स्ट्रगल थी वो क्रिएट करने में, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के बिना तो कोई भी कंट्री चल ही नहीं सकती आइन के बगैर, सो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन उसके बनने में बहुत देर लग गई, फिर वो एक स्टेबल पॉलिटिकल एनवायरनमेंट आने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। और एक सिग्निफिकेंट अचीवमेंट ये थी कि जो आपका लाइक असेंबली का जो पैसेज था उनका ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन सिर्फ पास हुआ था, जैसे वो एक इम्पॉर्टेंट या सिग्निफिकेंट चीज़ थी। नेक्स्ट यहाँ बात की गई ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के बारे में। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बेसिकली ये कि इसमें डिक्लेयर किया गया था सोवरेनिटी को ओवर द एंटायर यूनिवर्स, जो कि बिलोंग करते हैं गॉड से, मतलब कि जो अल्लाह अलमाइटी को अलोन मानते हैं, डिवाइन की वननेस को मानते हैं, और ये कि जो अथॉरिटी है वो किस तरीके से स्टेट ऑफ पाकिस्तान के साथ एक्सरसाइज कर रही है, और डिफरेंट लिमिटेड प्रिस्क्राइब को, मतलब बेसिकली यहाँ पे बात ही की गई कि हमारा ऑब्जेक्टिव ये था, हमारा लोगों को मिल जाए कि हम लोग एक मुस्लिम कौम है, हम लोग जो है वर्जा की वाहिदनियत पे यकीन रखते हैं, मतलब कि हम इसे वननेस ऑफ गॉड को मानते हैं। और ये जो रेजोल्यूशन था इसको इस्टेब्लिश किया, इसमें प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी थे, फ्रीडम था, इक्वलिटी थी, टॉलरेंस था, सोशल जस्टिस था, और एक इस्लामिक फ्रेमवर्क के अंदर ये सब चीज़ें प्रोवाइड की गई थी। और इसमें एक कॉम्प्रोमाइज मतलब कि था बिटवीन द ट्रेडिशनलिस्ट एंड मॉडर्निस्ट ग्रुप, और जो कि रिफ्लेक्ट कर रहा है आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट्स को पाकिस्तान में। नेक्स्ट यहाँ पे डिस्कस किया गया वेरी मेनली टॉपिक जो था आपका राइज ऑफ जागीरदार एंड जमींदार। अब यहाँ पे आपकी बात की कि उसमें जैसे पॉलिटिकल लैंडस्केप में जो राइज आए इन्फ्लुएंशियल लैंड लॉर्ड्स का, और जो फ्यूडल लॉर्ड्स थे उनका, मतलब जागीरदार और जमींदार वगैरह, तो उन्हें एक सिग्निफिकेंट रोल पे किया आपकी पॉलिटिकल न्यू नेशन को शेप करने में, उनकी जो पावर के डायनेमिक्स हैं उन्होंने आपकी पॉलिटिकल सोशल स्ट्रक्चर को भी काफ़ी हद तक अफेक्ट किया। सेकेंड पर बात की कि सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के बारे में। अब यहाँ पे डिस्कस ये हुआ कि जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी वो इवेंचुअली डिसॉल्व हो गई थी, और फिर सेकंड को बनाना पड़ा। अब इसमें जब सेकंड ये बनी तो इसकी जो असेंबली थी वो सक्सीड हो गई थी ड्राफ्ट करने में और पास करने में अपने कॉन्स्टिट्यूशन को 1956 में, जिसका एम बेसिकली था कि वो प्रोवाइड करे एक मोर स्ट्रक्चर्ड और एक स्टेबल फ्रेमवर्क पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की कंट्री के लिए। उसके बाद यहाँ बात की गई इकनॉमिक हाउसेस के बारे में। अब इसमें सब चीज़ें डिस्कस की गई हैं, इसके मतलब एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, रोड एंड ट्रांसपोर्ट, एब्सेंस ऑफ यूटिलिटी सर्विसेज, एम्प्लॉयमेंट। सो दिस इज समथिंग कि यहाँ डिस्कस किया हुआ कि जो अर्ली इकोनॉमिक कंडीशन थी पाकिस्तान की वो मतलब काफ़ी डिसऑर्डर थी, चाओटिक मीन्स डिसऑर्डर थी। अब यहाँ पर जो एग्रीकल्चर सेक्टर था उसे न्यूमरस जो चैलेंजेस फेस करने पड़े, मतलब उसमें लैंड डिस्ट्रीब्यूट का मसला था, लैक ऑफ मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स का मसला था। इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात कर लें तो वो अंडर डिवेलप था, और सिग्निफिकेंटली गैप्स उनके इंफ्रास्ट्रक्चर में, जैसे कि रोड, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का मसला था। यूटिलिटी सर्विसेज की बात कर लें तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रॉपर नहीं थी, क्लीन वाटर नहीं था, और उसके अलावा एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज लिमिटेड थी, और जो वाइड सेपरेट इकोनॉमिक हार्डशिप थी वो भी काफ़ी ज़्यादा मसला क्रिएट कर रही थी।
ओवरऑल जिसमें बात की गई है कंक्लूजन अगर इसकी हम लोग एक देखें तो इसमें बात की गई जो अर्ली ईयर्स है पाकिस्तान के वो बड़े मतलब के एक सिग्निफिकेंट चैलेंजिंग ईयर्स थे हमारे लिए, जियोग्राफिकल लेवल पे, इन्वायरमेंटल लेवल पे, सोशो कल्चरल लेवल पे, पॉलिटिकल लेवल पर, इकोनॉमिक लेवल पर भी। कंट्री को इसमें बहुत से ज़्यादा क्राइसिस फेस करने पड़े, फिर उन्होंने एक मतलब एस्टैब्लिश किया, फंक्शन करवाई अपनी नेशन को ओवरऑल, फिर उसके बाद जो था डिफिकल्टीज के बावजूद पाकिस्तान को मैनेज किया और उनको एक फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स में लेके आए। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आई, सबसीक्वेंट कॉन्स्टिट्यूशन की डेवलपमेंट की गई जिनका एम बेसिकली ये था कि वो कंट्री को मूव करें टूवर्ड देयर डेमोक्रेसी, फ्रीडम एंड सोशल जस्टिस, जो कि एक इस्लामिक फ्रेमवर्क के अंदर ही सब कुछ प्रोवाइड किया जाए, इस्लामिक फ्रेमवर्क की बाउंड्रीज से हम बाहर ना जाएं। इसका मेन जो पर्पस था वो बेसिकली ये था। लास्ट टॉपिक है टॉपिक नंबर 18 जिसमें डिस्कस किया गया फर्स्ट रिपब्लिक 1956। अब यहाँ पे इंट्रोडक्शन टू पाकिस्तान फर्स्ट रिपब्लिक की बात की गई है। अब यहाँ पे इंडिपेंडेंस गेन करने के बाद की सारी स्टोरी है। अब पाकिस्तान इस्टेब्लिश हो चुका था एक नेशन के तौर पे, वो अपने इस्लामिक आइडियोलॉजी को सिंबलाइज कर रहा था और जो उसके अर्ली ईयर्स थे मैंने आपको बताया कि वो एक स्ट्रगल और सर्वाइवल के साथ मार्क किए जाते हैं। मतलब उसमें प्रोग्रेस और रिफॉर्म्स तो नहीं है बट बहुत ज़्यादा स्ट्रगल फेस करनी पड़ी, जिसकी वजह से आपके फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन में डिले आया, पॉलिटिकल लीडर्स का इशू आया, जो अनफॉर्चुनेटली बेसिकली ये हुआ कि उन्होंने ऑन पावर को प्रायोरिटाइज किया और उसके अलावा जो नेशन के इंटरेस्ट है उनको उन्होंने नहीं देखा और उन्होंने डेवलपमेंट को हिंडर कर दिया, उन्होंने प्रोग्रेस को हिंडर कर दिया। ओवरऑल इन सब चीज़ों को यहाँ पे डिस्कस किया गया। अब यहाँ पे बात की गई बैकग्राउंड ऑफ इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। सो दिस इज समथिंग के इसमें डिस्कस ये किया गया कि इनिशियली जो पाकिस्तान था उसको ऑपरेट किया गया था अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 और उसके बाद ये हुआ कि जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी उन्होंने अपना एक बेसिक प्रिंसिपल सेट किया, अपनी कमेटी सेट की, उसमें उन्होंने अपने प्रिंसिपल्स को आउटलाइन किया, फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन को देखा और उन्होंने फिर गाइड किया कि 1949 में जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है वो कैसे परफॉर्म की जाएगी। उसके बाद बात की गई यहाँ पे पैसेज ऑफ द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को डिस्कस किया गया 1949। दिस इज समथिंग कि जहाँ पे एक सिग्निफिकेंट ही स्टेप था आपकी कॉन्स्टिट्यूशन को फॉर्म करने में, पैसेज ऑफ द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 1949। इस रेजोल्यूशन में डिक्लेयर किया गया था कि सोवरेनिटी जो है वो ओवर द एंटायर यूनिवर्स है जो कि बिलोंग करती है अल्लाह अलमाइटी के साथ और जो बेसिकली उनको सिंगल और उनको उनकी वननेस को मानना है। सेकेंड बात की गई कि जो अथॉरिटी है वो डेलीगेटेड है टू द स्टेट ऑफ पाकिस्तान और जिसके साथ उन्होंने एक्सेस करना है एक स्कॉट ट्रस्ट को, जो रेजोल्यूशन थी बेसिकली वो एम्फसिस करती थी डेमोक्रेसी पे, फ्रीडम पे, इक्वालिटी, टॉलरेंस एंड सोशल जस्टिस विद इन इस्लामिक फ्रेमवर्क। और फिर से वही बात आ गई कि इसमें कंपैरिजन था ट्रेडिशनलिस्ट का और मॉडर्निस्ट के ग्रुप्स का इन पाकिस्तान। उसके बाद यहाँ बात की गई कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस एंड द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के बारे में। सो यहाँ पे आपका फर्स्ट ऑफ ऑल हुआ असैसिनेशन, मतलब कत्ल का प्लान किया गया था आपके लियाकत अली खान का। सो यहाँ पे असैसिनेशन में प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान को 1951 में जो था वो पाकिस्तान में कत्ल का प्लान किया गया, उन्हें कत्ल कर दिया गया। फिर उसके बाद उनके जो सक्सेस्ड है वो थे ख्वाजा निज़ामुद्दीन और लेटर जो गुलाम मोहम्मद थे उसे गवर्नर जनरल के तौर पर इलेक्ट हुए, बट यही सब सारा सीन चलते रहे। फिर मोहम्मद अली बोगरा आए, उनको अपॉइंट किया गया प्राइम मिनिस्टर के तौर पर। फिर उनके अटैम्प्ट के बाद कॉन्स्टिट्यूशन था वो दोबारा ब्रेक हो गया, डेडलॉक लग गया। और फिर एक मोहम्मद अली का फॉर्मूला आया था 1945 में, जिसको 54 में जो कि बड़ा एक लाइक इम्पोर्टेंट सिग्निफिकेंट रखता है ओवरऑल द हिस्ट्री। अब इस फॉर्मूला में था क्या, इसके कुछ पॉइंट्स थे। फर्स्ट ऑफ ऑल था कि जो फेडरल लेजिस्ट्रेटिव है विद टू हाउसेस हो। उसके बाद जो सेकंड बात ये की कि 300 मेंबर होंगे इस ओवरऑल हाउस ऑफ द पीपल और जो रिप्रेजेंट करेंगे ईच यूनिट जो कि बेस करेगा अपनी पॉपुलेशन पर। थर्ड ये कि इक्वल पावर एक्सटेंड होगी टू द बोथ हाउसेज। और लास्ट थे कि इन केस ऑफ डिसएग्रीमेंट जो ज्वाइंट सेशन है वो जो है वो हेल्प करेगा, मतलब वो रेजोल्यूशन को पास करेगा बिटवीन द मेजोरिटी वोट्स, मतलब कि जो मेजोरिटी के वोट्स होंगे उसके रिगार्डिंग की जो रेजोल्यूशन है, जो भी ऑब्जेक्टिव है, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो पास किए जाएंगे। फिर बात की गई कॉन्ट्रोवर्सी ओवर प्रोविंशियल ऑटोनॉमी एंड अ स्ट्रॉन्ग सेंटर।
दिस इज समथिंग कि जहाँ पे डिस्कस ये किया गया कि पाकिस्तान जो है वो राइट नाउ एक प्लूरिस्टिक सोसाइटी है जो कि डिमांड कर रहा है स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट की, स्पेशली फ्रॉम वेस्ट पाकिस्तान। अब यहाँ पे अल्टीमेटली क्या हुआ है कि कॉम्प्रोमाइज आ गई थी आपके जो थे सिस्टम्स में, आपके ब्रिटिश मॉडल्स के अंडर द 1935 कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें आपके फेडरल, प्रोविंशियल और कॉन्करेंट लिस्ट ऑफ पावर जो थी वो इंक्लूड थी। फिर यहाँ बात की गई इश्यूज ऑफ नेशनल लैंग्वेज के बारे में, एग्जैक्टली कि नेशनल लैंग्वेज किसे बनाया जाए। बिफोर अडाप्टिंग अ ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन, प्रोविंशियल में इलेक्शंस करवाए गए ईस्ट पाकिस्तान 1954 में। फिर एक यूनाइटेड फ्रंट पार्टी थी जो कि मेजोरिटी के साथ वॉन की थी, मतलब जिन्होंने जीता था। अब यहाँ पे बंगालीज की रिकॉग्निशन स्टार्ट हुई, उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज मतलब उर्दू के साथ साथ बंगाली को भी एक ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया। डिसोल्यूशन के बाद जो सेकेंड पॉइंट था वो ये कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ असेंबली का डिसोल्यूशन हुआ और उस पर एक रिप्लेसमेंट है जो कि डायरेक्टली इलेक्टेड बॉडी के साथ कंसर्न थी। थर्ड पे जो कंप्लीट ऑटोनॉमी थी वो ईस्ट पाकिस्तान के साथ थी, उसमें जो था फॉरेन पॉलिसीज या डिफेंस और करेंसी वगैरह का जो सारा एस्पेक्ट से वो ऐड नहीं थे। उसके बाद यहाँ डिस्कस किया गया डिसोल्यूशन ऑफ फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। अब दिस इज समथिंग के यहाँ जो था द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जो डिफरेंट किस्म के जो इश्यूज फेस करने पड़े थे न्यूमरस, और जो मतलब के जो मसले आए उसमें गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद जो थे वो उन्होंने मतलब के सारे उन मसाइल को देखा जनवरी 1955 में। फिर उन्होंने असेंबली में क्लेम किया कि हम मतलब के जो है वो लॉस्ट ऑफ कॉन्फिडेंस है, मतलब कि हमारी जो आवाम है, हमारे जो मतलब के मेम्बर्स हैं उनमें कॉन्फिडेंस की बहुत ज़्यादा कमी है। देन यहाँ डिस्कस किया गया सेकेंड कॉन्स्टिट्यूट असेंबली एंड 1956 कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। सो दिस इज समथिंग कि यहाँ पे जो था सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशन का समन अनाउंस किया गया जो कि रिप्रेजेंट करा था ईस्ट और वेस्ट दोनों साइड को पाकिस्तान के, और फिर असेंबली में क्विकली एक ड्राफ्ट जो था वो प्रोवाइड किया गया, अडॉप्ट किया गया फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का 1956 का, जिसने इसको इस्लामिक रिपब्लिक के तौर पर डिक्लेयर कर दिया था। इसके कुछ की फीचर्स भी थे फर्दर। फर्स्ट ऑफ ऑल था कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है और यह फेडरल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर है, सिंगल हाउसेस फेडरल लेजिस्लेटर बनाया और प्रेसिडेंट कैबिनेट था, प्रोविंशियल गवर्नमेंट फॉर ईस्ट पंजाब सिंध एंड फ्रंटायर्स का जिसमें डिस्कस किया गया पॉइंट एक मेन। उसके बाद यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन की गई थी पावर्स की बिटवीन फेडरल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स, फिर जुडिशरी को इस्लामिक प्रोविंशेस के तौर पर रिप्रेजेंट करवाया गया। उसके बाद कुछ आते हैं इसके फंडामेंटल राइट्स और डेलीगेटिव प्रिंसिपल्स जो कि स्टेट की पॉलिसी को इंश्योर कर रहे थे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ डिस्कस किया गया कि मुस्लिम्स जो हैं वो अपनी लाइफ गुजारेंगे अकॉर्डिंग टू कुरान एंड सुन्नत, एंड सेकेंडली ये कि जो प्रोविंशियस हैं वो बेसिक नेसेसिटीज प्रोवाइड करेंगे जैसे कि फूड है, क्लॉथिंग है, हाउसिंग है, एजुकेशन है, मेडिकल रिलीफ है। फिर लाइफ स्टैंडर्ड में इम्प्रूवमेंट लेके आएंगे, लिटरेसी मतलब कि जहालत की एबॉलिशन करेंगे, मतलब उसको ख़त्म करेंगे, मतलब कि जितने भी अनपढ़ लोगों की रेंज है। उसके बाद प्रोक्लिज्म की और ऐसे रेशलिज्म की वैसे की डिस्करेजमेंट करेंगे। रेसिज्म इज समथिंग जिसमें आप लोगों को ऑन देयर पर्सनल बेसिस आप उनको डिस्क्रिमिनेट करते हो, लाइक कलर पे, कल्चर पे, रिलीजन पे। फिर दूसरी बात की कि दूसरे कंट्री के साथ यूनिटी बनानी है और गॉडविल के साथ दुनिया में रहना है, और उसके अलावा जो सेपरेशन है जुडिशरी की फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव उसको भी मतलब के रखना है, जस्ट लाइक जो प्राइम मिनिस्टर है या फिर जो गवर्नमेंट है उसका जुडिशरी के साथ कोई डायरेक्ट कंसर्न नहीं होगा, जस्ट लाइक वो किसी भी काम में उनकी फेवर नहीं करेंगे। फर्दर यहाँ बात की गई सब उसके बाद प्रोटेक्शन ऑफ द राइट ऑफ द नॉन मुस्लिम्स वीमन एंड चिल्ड्रन, ये सिंपल था इसमें। उसके बाद फिर एक पार्टी थी रिप्रेजेंटेशन की एडमिनिस्ट्रेशन बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान, और फिर एमरजेंसी प्रोविंसेस के बारे में बात की गई। और ओवरऑल अगर देखें तो इसमें डिस्कस ये किया गया कि किस तरीके से जो फर्स्ट रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है जो कि 1956 कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग बनाया गया था, उसमें
जो एक स्ट्रक्चर और एक फेयर गवर्नेंस को एस्टैब्लिश करना बहुत इम्पोर्टेंट था, जो कि इस्लामिक प्रिंसिपल के साथ रूटेड हो। और इसके अलावा जो डिसअपॉइंटमेंट जो चैलेंजेस थे और क्राइसिस थे, फिर भी पाकिस्तान ने अपनी एक फाउंडेशन रखी और उसके प्रिंसिपल्स जो थे वो पॉलिटिकल फ्यूचर सोशल डेवलपमेंट में अपने आप को गाइड फर्दर कर रहे हैं और इंशाल्लाह मजीद करते रहेंगे। सो आने वाली वीडियोज़ के लिए चैनल को